भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है ग्रामीण स्तर की विकास कार्यों वाली योजनाएं। सरकारी कार्यों के विश्वसनीयता की जमकर उड़ रही हैं धज्जियां। ब्लॉक अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहे हैं खुलेआम ऐसे कारनामे। सरकार निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने व मानक विहीन कार्यों पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार इन मुद्दों पर काम कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये ताजा मामला उन्नाव जनपद के मियागंज विकास खंड के ग्राम पंचायत मियागंज का है, जहां करीब 2.25 लाख की लागत से नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है और मानकों की खुलकर अनदेखी की जा रही है। निर्माण में कच्ची पीली ईंट मोरंग की जगह डस्ट का इस्तेमाल हो रहा है और इससे उत्पन्न कई अन्य समस्याओं से मकान मालिकों को जूझना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल इस मामले के जांच के नाम पर विकास अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति ने जांच कर इस पर उक्त कार्यवाही करने की बात की है। या शहरी क्षेत्रों में विकास इतना पिटारा खोलने का प्रयास कर रही है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का हर तरह से वो प्रयत्न कर रही है, लेकिन उनके ही अधिकारी कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार करने के तरह तरह के जुगाड़ सोच लेते हैं, बना लेते हैं। ताज़ा मामला निकल के आया है उन्नाव जनपद की बहुचर्चित विकासखंड मियागंज, जो पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में रह चुकी है। ब्लॉक मुख्यालय यानी कि मियागंज ब्लॉक मुख्यालय के नाक के नीचे ग्राम पंचायत मियागंज में ही राजू बंजार नाम का एक प्रधान है जो नाली निर्माण करा रहा है, जो लगभग 2 से 2.5 लाख की कीमत बताई जा रही है। उसमें मानक विहीन सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, कच्ची पीली ईंट मोरंग के नाम पर डस्ट, वो भी प्रसाद रूप में, सीमेंट भी प्रसाद रूप में, बालू का प्रयोग पूरी तरह से खाने के रूप में वहाँ किया जा रहा है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त हो रहा है, ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर रखी है और फिलहाल मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार प्रजापति ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये तो आने वाला समय ही तय करके वाकई में कोई कार्रवाई होती है या सिर्फ खाना खोल करके भ्रष्टाचारी जैसे रोग को बढ़ावा देते हुए सरकार के खिलाफ बलिचा लगाते हुए सरकार का मुंह भी काला करेंगे। मैं बहुत खेड़े का रहने वाला हूँ। ये नाली निर्माण हो रहा है सर, और एकदम थर्ड क्वालिटी का माल लग रहा है। अगर 8 तसले बालू मिली हुई है तो 1/2 तसला सीमेंट मिली हुई है, और हम लोग तो छोटे छोटे सर बच्चे, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी सर, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? अभी मोरंग सीमेंट खुद खरीद के लाए। किस लिए ला रहे हो सर? वो नाली ऊँची करने के लिए। नाली तो सरकार बना ही रहा प्रधान, वो प्रधान से बोले तो बोलता का मैं अपने घर से लगाऊं। गहराई कितनी है? अरे गहराई तो सर बहुत है, इसमें अगर बच्चा गिर जाए तो मर जाएगा। लेकिन वो जारे लगा रहे हैं प्रधान जी, और ये सामान बालू और खाली थोड़ी सी मोरंग ये लगवा रहे हैं। जो नाली बनी थी वो खुदी नहीं रही, थोड़ी सी नीचे एकदम नाली भर रही, बच्चे गिर रहे इसमें, डूब भी जाए मर जाए इनके कोई दिक्कत नहीं। उससे कहो कि थोड़ा ऊँचा कर दो तो करे, राज प्रधान से कहो तब हम करेंगे। और ये छीचा लेकर डाल दिया है, हम बताओ कहाँ तक, हम गरीब आदमी कहाँ से करेंगे। छीचा कौन लग रहा है? ये पीला वाला नहीं, काम तो बिल्कुल खराब हो रहा है सर, कोई काम का नहीं है ये, बिल्कुल ना ईटे है ना नाली सही। जब तो पहले रहती थी तेज होती तो कम से कम सुकून था, अब तो इसमें बच्चे डूब जाए मरे बगैर बच्चे नहीं था। शायद में मानक में नाले निर्माण हो रहा है और साथ ही सड़क से नीचे निर्माण है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया कि मियागंज ग्राम पंचायत में जो भी नाला या नाली का निर्माण हो रहा है वो मानक विहीन हो रहा है, वह यह बात हमारे संज्ञान में आई है और इसकी जांच हम कराएंगे। अगर कहीं कोई भी दूसरी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इस बात को सुनिश्चित कराया जाएगा कि जो मानक या जो उसका एस्टिमेट बना हो उसके अनुरूप ही वो कार्य हो। सर